नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं और आज मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रॉबेरी की जो प्लांटेशन है वो टावर फार्मिंग में कैसे करें। तो ए टू जेड जानकारी दूंगा मिट्टी मिक्सचर से लेकर के और प्लांटेशन तक की, और क्या न्यूट्रिशन हमारा होना चाहिए। तो टावर फार्मिंग में हमारे स्ट्रॉबेरी लगाने के क्या फ़ायदे हैं, दो फायदे में से बताता हूँ कि पहला तो ये है कि हम मान लो कि 12 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते हैं, 12 गमले रखने की हमें जगह 12-15 फुट चाहिए, तो उसकी बजाय हम एक ही टावर में 1 फुट या 1.5 फुट की जगह में एक टावर खड़ा करके और उसके अंदर 12-15 पौधे का फ्रूट हम ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि स्ट्रॉबेरी जो है फ्रूट वो अगर मॉइस्चर लगे, गमले में लगाएं मॉइस्चर लग जाए तो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन टावर में क्या रहेगा, रूट्स अंदर रहेंगी और बाकी का पूरा प्लांट जो है वो बाहर है, तो फ्रूट बाहर लटकेगा, उससे फ्रूट रॉटन नहीं होगा, सड़ेगा नहीं बिल्कुल। तो ये हमारे दो बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे टावर में हम लगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो मिक्सचर ही जो है इसका बैकबोन है, कि मिक्सचर ऐसा रहे कि हम ऊपर से कोई भी पानी डालें तो विद इन 5 मिनट या 4 मिनट जो है वो पानी या न्यूट्रिशन सीप करके नीचे चला जाए। तो एक तो वो बेनिफिट हो गया, दो बेनिफिट हो गए। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इस टावर में इसको पानी ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये खड़ा है और हम यहाँ डालेंगे तो पानी स्टैग्नेशन नहीं, मटेरियल इस तरह का डालेंगे कि वो सीप करके नीचे चला जाएगा। और आज हमने इसमें थोड़ी सी चेंज की है टावर में, और टावर में चेंज क्या किया है कि इसको हमने एंड कैप लगाया है, गमले में रखने की बजाय ये एंड कैप होता है, ये रखा है, ये एंड कैप मैं बता देता हूँ आपको, ये एंड कैप आता है एक इसका पाइप का, तो 6 इंची 9 इंची 8 इंची जो भी आप देखें तो उसमें एंड कैप आ जाता है। एंड कैप लगाया है मैंने। एंड कैप लगाने का मतलब क्या है कि ये देखो ये फर्मली इसमें खड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एंड कैप लगाया है, ऐसे भी खड़ा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर गमले में नहीं रखना है आपने तो इसका एक स्टैंड बनेगा जो मैं दिखाऊंगा आगे, तो वो स्टैंड में हम इसको रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी रखना हो इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम इसका मिक्सचर, जो इसका बैकबोन है कि मिक्सचर जो सॉयल मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। नहीं, एंड कैप में होल नहीं करना है इसमें। देखो ड्रेन की समस्या जो है, हम तो इतना पानी डालेंगे नहीं, और ड्रेन की समस्या भी होगी तो वो नीचे ही रह जाएगा ना। इसमें अगर ज़्यादा होगा इससे एंड कैप का, ये देखो 4 इंची का है, 4 इंची से ज़्यादा होगा तो यहाँ से सीप कर जाएगा पानी, और प्लांट तो हमारा यहाँ रहना है, उससे जो है लगभग 9 इंची 10 इंची ऊपर है प्लांट हमारा। तो एंड कैप लगाने का मतलब ये है कि एक तो नहीं, रूट नीचे जाती है तो ज़्यादा 8-9 इंच होगा, ये पानी यहाँ से निकल जाएगा ना, रूट प्लांट यहाँ है तो 8-9 इंच की जगह मिल गई ना आपको, बल्कि एक रिजर्वायर मिल गया निचले प्लांट के लिए, जो मॉइस्चर कंटेंट अगर 1-2 दिन नहीं डाला तो भी हो जाएगा। और ये डालने का मेरा एंड कैप लगाने का मकसद यही है, गमला भी लगाते हैं उसमें भी होता है, तो ये इतना ही रहेगा ना रिजर्वायर, ये 4 इंची का रिजर्वायर रह गया, यहाँ से निकल गया, इसको हमने लॉक नहीं किया है ना, कोई चीज़ डालेंगे तो इतना पानी छोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो हम इतना डालना ही नहीं पानी हमें, तो ये स्टैंड में लगा सकते हैं गमले की। हाँ जी, हाँ 8-9 इंच के आसपास ये जो है यहाँ से हमने एंड कर लिया, वैसे 1 फुट हमने छोड़ा था तो 4 का लिया, तो 8 इंच हमारा ये बच गया ना, ताकि यहाँ से रूट यहाँ तक जाए। और हाँ जी, हाँ, 8-9 इंच का गैप है। इसमें मैंने ज़्यादा होल्स किए हैं क्योंकि स्पेशली स्ट्रॉबेरी के लिए। आप बैंगन वाले में देखेंगे, जो ब्रिंजल लगाया है, मिर्च लगाया है, उसमें पौधा लंबा होता है, तो उसमें हमने जो है ना 9 ही होल किए हैं, डिस्टेंस ज़्यादा दिया है और अल्टरनेट पे किया है, अल्टरनेट होल्स किए हैं ताकि उसमें जो पौधा है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो।
लेकिन इसमें क्या है, इसका स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है छोटा, तो छोटा होता है तो हमने लाइन से होल कर दिया है, देखो 3, 6, 9, 12 कर दिया हमने, और ऊपर लगभग जो है ना 1.25 फुट की जगह छोड़ी है, क्योंकि इसमें ऊपर 6 इंची मिट्टी होनी चाहिए और 6 इंची जगह खाली होनी चाहिए हमारी, जिसके अंदर हम पानी स्टोर कर सके। पानी स्टोर करेंगे तो वो उतना पानी सीप करके पूरे को गीला कर देगा। इसमें भी वही रखना है गमलों में, जैसे मैंने बताया है कि हमारा गमलों का 10 इंची का है, 10 इंची हाइट है, 10 इंची के लिए हमने 2 इंची जगह छोड़ी है, तो ये जो है हाइट इतनी है, तो इसके लिए हमने 6 इंची 8 इंची जगह छोड़नी है, जिसमें हम पानी भर सकें और वो पानी सीप करके निचले सारे प्लांट्स को मिल सके। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो मिक्सर है, मिक्सर में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि मेन रूट है, लगा तो कोई भी ले, इसमें कोई मिट्टी भर के लगा लेगा, लेकिन क्या होगा, सीपेज जो यहीं तक जाएगी, नीचे पहुंचेगा ही नहीं, तो वो दिक्कत रहेगी। तो मेन इसका बैकबोन जो है हमारा, वो सिर्फ है मिक्सर। मिक्सर ऐसा होना चाहिए कि हम पानी यहाँ डालें और विद इन 5 मिनट 4 मिनट जो है वो पानी नीचे तक सीप करके चला जाए, ताकि हर प्लांट को जो वाटर एंड न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिलती रहे, और जगह की मैंने आपको बता दी कंजप्शन की बेनिफिट्स जो हैं। तो अब इसकी तरफ चलते हैं, मिट्टी लेते हैं सीरियसली। अब हम लीफ कंपोस्ट है, 1 तसला हमने इसमें डालना है, तो ये हमने 1 तसला इधर रखा है, इसको अभी मिला लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो मिट्टी का पार्ट है वो मैं दिखाता हूँ। तो मिट्टी का पार्ट हम ले लेंगे, एक हमने मिट्टी का 1 तसला लिया, माप लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मटेरियल ज़्यादा आने वाली है, इसलिए हमें ये बल्क में बनाना पड़ेगा। ये हमने 2 तसला मिट्टी का लिया, ये हमने 3रा ले लिया ये मिट्टी का। तीन मिट्टी का ले लिया, और एक आपने, मैंने आपको दिखाया अभी, ये एक जो हमने लीफ कंपोस्ट है, 1 तसला लीफ कंपोस्ट मिला दिया इसमें। कोकोपीट नहीं मिलाना है, कोकोपीट अगर नहीं, मजबूरी है तो कोकोपीट डाल लो, अदरवाइज कोकोपीट की नहीं। इसमें जो है हम कोकोपीट अगर नहीं डालना है तो उसका अल्टरनेट जो है ना, थोड़ी सी हमें उसकी बढ़ा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है, एक तसला हमने लीफ कंपोस्ट डाला, जिनके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो वो बर्मी कंपोस्ट को ही डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3 और 2 का रेशो तो ये हो गया। बर्मी कंपोस्ट थोड़ी ज़्यादा करनी है तो वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 3 तसले कोई भी मेजरमेंट लेंगे, 3 पार्ट हमने मिट्टी का लिया जो गार्डन सॉइल है, लेकिन गार्डन सॉइल आपको देखनी है कि जिनका गार्डन सॉइल हार्ड है बहुत ज़्यादा, वो क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट 3 कर देंगे, 3+3 हो जाएगा। और जिनका ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे हमारा है बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसमें हमने क्या किया कि 3 पार्ट मिट्टी का लिया और 2 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो भी है आपके पास, तो मैंने 1 लीफ कंपोस्ट और 1 वर्मी कंपोस्ट हमने ले लिया इसमें। ठीक है जी, अब अगला जो रेशो है वो देखते हैं। तो हमने नीम खली कितनी लेनी है, नीम खली बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नीम खली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो नीम खली हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। नीम खली का हम मान लो कि 1 टावर के लिए हमारा 250 ग्राम बहुत है, 250 ग्राम नीम खली 1 टावर का जो मेटेरियल बना रहे हैं उसके लिए बहुत है। तो ये सपोज करो ये है हमारा, ये 250 ग्राम के अराउंड होगा ये नीम खली हमने इसमें डाल लेनी। नीम खली जो है बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिशन देता है, बाकी क्या है कि इसका जो है एंटी फंगल,
फंगस नहीं लगेगी जड़ में, नेचुरल एक ट्रीटमेंट इसका हमारा नीम खली का हो जाता है। अब इसी तरह आती है हमारी कैल्शियम के लिए स्टोन डस्ट की बात, तो ये स्टोन डस्ट जो है वो भी एक तसला नहीं लेना है हमारा, 1/4 इसको रखेंगे, एक तसले का 1/4 हमने, ये हमने स्टोन डस्ट ले लिया जो कि कैल्शियम प्लांट को देता रहेगा। और जो स्टोन डस्ट लिया है आप अगर एक बार मिट्टी बना रहे हैं और अगले साल फिर लगाना है तो स्टोन डस्ट आपने नहीं डालना है, स्टोन डस्ट एक साल में प्लांट खा नहीं पाएगा इतना, तो वो 3 से 4 साल तक लास्ट करता है। अगली बार आप डालेंगे तो स्टोन डस्ट नहीं डालेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी नहीं डालेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब इसको और पोरस बनाने के लिए हमें मिट्टी को क्या करना है वो देखिए। ये पोरस बनाने के लिए हम राइस हस्क लेंगे, एक टावर के अंदर एक तसला राइस हस्क। मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा इसको डिकम्पोज करना है, देखो पानी डालने के बाद कुछ इस तरह से ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तुमने कुछ पानी डाला हुआ था इसके अंदर तो ये डिकम्पोज, एक तसला हमने, हाँ जी हेलो, हाँ हाँ 15-20 दिन पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा सा डिकम्पोज होना शुरू हो जाए। जैसे देखो ये रेगुलर डालते रहना पानी तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। अब हम इसको एक तसला इसमें ये डाल देंगे, एक टावर के लिए एक तसला बहुत है। अब इसको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि हाथ से ना मिलाते हुए ये कसी का इस्तेमाल करेंगे। जिस किसी पर्सन से भी मिलवाएंगे आप तो उसको प्रॉपर वे से आपने वीडियो डाल दूंगा, वीडियो दिखाना है और इसको करना है। और इसको क्या करना है कि एक बार नहीं काटना है, ऐसे एक बार मिक्स किया हमने तो इसको दोबारा से करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी फिर, मतलब दोबारा से हम इस तरह से फिर से दोबारा में भी दिखाई दे कि ये प्रॉपर वे से नहीं मिक्स हुआ है तो हम तीसरी बार इसको ये देखो ये प्रॉपर से मिक्स हो गया। अब जहाँ से भी देखें एकदम मिट्टी में मिक्स हो गया पूरी तरह से, राइस हस्क भी और जो भी हमने इसमें न्यूट्रिशन डालना था। अब बस हमारा ये मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है। हाँ जी हाँ जी बोलिए। रिपीट कर दे रेशो,
तीन पार्ट हमने, तीन तसले मिट्टी के लिए, ठीक है, दो तसला हम बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो इसको इक्वल कर लेना है रेशो को, तीन ही पार्ट हमने दोबारा से बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट ले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, और हमें स्टोन डस्ट जो है वो 1/4 लेना है, एक तसले का 1/4 स्टोन डस्ट लेना है, 250 ग्राम हमें नीम खली लेनी है, और एक जो तसला पूरा है वो राइस हस्क लेना है। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मिक्सचर को हम फिल करेंगे, इसके अंदर फिल करने का तरीका है उसको भी मैं समझाता हूँ आपको। ये हमने रखा और इसमें डालेंगे इस तरह से, डालते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत लूज नहीं छोड़ना है इसको, जैसे होल्स हैं तो वहाँ से वो निकलने लग जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, कोई डंडा या कुछ इस तरह से रखना है, इसके अंदर डाल के ना इस तरह से हल्का हल्का आपने थोड़ा प्रेस करना है ताकि रह सके। ये देख लो, नहीं तुम ज़्यादा लूज छोड़ेंगे और पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो वहाँ से होल से वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा आपका, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है थोड़ा आपने। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। जिम विम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गार्डनिंग करने वालों को। सही सही सही, तो धान का भूसा तो है लेकिन धान साबुत नहीं है। बिल्कुल अच्छा, नीचे छेद नहीं, फिर आपने बीच में पाइप कितने इंची की पाइप दी है बीच में आपने? हेलो, एक इंच की? अच्छा हाँ, चलो एक इंची तक तो ठीक है, एक इंच तो ठीक है आपका, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइड से जाना चाहिए, और एक इंची पाइप लिया आपने तो ठीक किया है, और नहीं ज़्यादा मोटा अगर पाइप लेंगे ना आप, ज़्यादा मोटा पाइप लेंगे तो फिर वो रूट को डिस्टर्ब करता, तो एक इंची तो ठीक है, 9 इंची में एक इंची चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 8 में भी 1 इंची है तो चलेगा, लेकिन अगर 2-2.5 इंची ले लेंगे तो वो रूट्स को डिस्टर्ब करने वाली बात हो जाएगी। बाकी आपने मिक्सचर अगर इस तरह का दिया है 1 इंची है फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ये देखो कि ऊपर से हमने 6 इंची इसको स्पेस को खाली छोड़ दिया है, 6 इंची 5 इंची है, इसमें जब वाटर डलेगा तो वो थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा, तो 6 इंची अपने आप हो जाएगा, तो इतना जगह हमने इसको खाली रखना है कि पानी डालें तो नीचे सीप हो जाए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके अंदर चलेगा, ये याद रखना। जो सॉलिड मिलाना था वो मिला चुके हम, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन देंगे वो लिक्विड ही देंगे हम,
लिक्विड आपको जो भी अवेलेबल हो आपके पास, और नहीं कुछ हो तो वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग है तो उसका भिगो करके उसका पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड तो इसके अंदर डलेगा नहीं, तो लिक्विड इस तरह से आप डाल सकते हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है जी, टावर तैयार है अब, और हमें इसका एंड कैप लगाने की वजह से देखो इसको गमले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, एज़ इट इज़ खड़ा रहेगा ये, बिल्कुल देखो फर्मली खड़ा है ये, क्योंकि लोड हो गया इसके ऊपर और नीचे सरफेस जो है इसका वो फ्लैट हो गया। तो ये हमारा तैयार है, अब हमें स्ट्रॉबेरी इसमें प्लांट कर देनी चाहिए और इसके बाद पानी डाल देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये याद रखनी है, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, जो स्ट्रॉबेरी हम सुबह लगाते हैं या कोई प्लांट सुबह लगा देते हैं, प्लांटेशन करते हैं और शाम को करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन जो है वो हराश होगा धूप से, तो हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करता प्लांट। तो इसलिए क्या करना है, इसको हमें लगाने का जो टाइम है वो शाम को चूज़ करना चाहिए, 4-5 बजे के आसपास, ताकि सारी रात में प्लांट जो है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तैयार कर लेता है, जो न्यूट्रिशन पानी हमने दिया है तो वो सर्वाइव कर लेता है। उसका डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपके सामने सुबह सुबह मैंने 6 गमले स्ट्रॉबेरी के लगाए थे और बाद में जो लगाए, तो उसको दिखाने के लिए चलता हूँ मैं आपको। ये 6 प्लांट जो हैं बुझे बुझे से गिरे लग रहे हैं, ये क्या है, हमने क्या किया था सुबह के टाइम आपकी क्लास के दौरान ये लगा दिया था, इसका सर्वाइवल रेट देख लो, और इसके साथ ही बाकी के जो प्लांट हैं आपके ये 6 पौधों को छोड़ के, इनका देख लो आप, ये सारे खड़े हैं, देख रहे हैं, हेलो, इसका करेंगे सीधा सिंपल सा इलाज ये है कि ये जो पत्ते हैं ना इसके, जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, इन एक्स्ट्रा लोड्स को हम निकाल देंगे, ये देखो निकाल दिया हमने, एक्स्ट्रा लोड इसके ऊपर निकाल देंगे तो वो जो ज़्यादा न्यूट्रिशन मांग रहा है उससे और वो परेशान है, तो वो परेशानी इसकी घटा देंगे हम, इसके ऊपर से लोड को कम कर देंगे ये लोग, ये हमने लोड कम कर दिया। तो इसीलिए आपको मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाँ जी, वन वीक हो गया अब, ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है ना, देखो मर रहा है वो, तो उसके ऊपर सिर के ऊपर से बोझ हटा दें ताकि वो तो कम से कम जिंदा हो जाए। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा एक वीक हो गया ना, पिछले हमने संडे को किया था ये, तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि सुबह आपको ट्रांसप्लांट करने में और शाम को ट्रांसप्लांट करने में आप बिल्कुल क्लियर देखो कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि रात को ट्रांसप्लांट शाम को किया या सुबह किया, उसमें कितना डिफरेंस हो जाता है। रात को करने वाला जो है वो देखो सब पौधे एज इट इज़ चल रहे हैं, इतने प्लांट पत्तों के साथ भी क्लियर देख पा रहे हैं ना आप। इसी तरह से ये भी हमने नाइट में किया, अब नाइट में किया तो ये देखो ये सब के सब जो है, और मैं एक आध का भी आपको रूट निकाल के दिखाता हूँ, देखेंगे तो रूट जो है नई रूट्स उसके अंदर आ गई हुई हैं, ये देखो अभी ये वाइट वाइट दिख रही हैं, सारी नई रूट्स हैं, ये देखो, अब देखो ये वीडियो नहीं आ रहा है, देखो इनकी नई रूट्स चल पड़ी थी। अब एक बार फिर से इनको डिस्टर्ब करूंगा मैं, क्योंकि टावर में लगानी है तो ये अभी फिर एक बार डिस्टर्ब होंगी, कह रहा हूँ कि क्या करते हैं ना, हम कुछ प्लांट अभी लगा देते हैं और कुछ हम इसको शाम में प्लांट करेंगे, तो फिर डिफरेंस एक बार आ जाएगा। ये रूट देख ही रहे हैं आप, तो इसको हम लगाते हैं उसमें, और कैसा तरीका है, सिर्फ तरीका दिखाना है कि किस तरीके से लगाना है। हमने लिया एक्स्ट्रा रूट्स है उसकी, थोड़ी सी कट कर दी, अब लगाने का तरीका ये है कि इसको क्या करना है, हमने यहाँ इस तरह से उंगली देनी, होल करना है इस तरह से, और इस रूट्स को देख पा रहे हैं आप, हेलो, हाँ, तो इस तरह से उंगली डाल के हमने ये होल किया इसमें, और इस रूट्स को जो है ना फर्मली बिल्कुल बड़े प्यार से अंदर करेंगे, ये गया, और इसके बाद जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, तो ये इस तरह से प्लांट आपका लग गया। इसी तरह दूसरा करेंगे हम,
उंगली से ना हो तो आपने क्या करना है कि कोई चीज़ ऐसी ले लेनी है नुकीली, जैसे चाकू हो गया, गोल सा या कैंची का हो गया, उससे गोल कर लेना है आपने। लेकिन उसमें यही ध्यान रखना है आपको कि इसका जो ये पार्ट है, अभी किसी ने लगाया हुआ था गलती हो गई थी, तो ये पार्ट इसके ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए, मिट्टी इसके नीचे नीचे रहनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके जो सर्वाइवल पार्ट है उसके ऊपर मिट्टी आ गई तो ये फिर सर्वाइव करेगा ही नहीं, मर जाएगा प्लांट, मतलब दम घुटेगा इसका। तो वो दम घुटने वाला काम आपने नहीं करना है। ये देखिए, ये चाकू है, सॉरी कैंची है, कैंची को इस तरह से करके ना ऐसे गोल, और उंगली से नहीं होता है तो इस तरह से कर लेना आपने। और ये रूट कुछ एक्स्ट्रा जो हैं, जो डैमेज मतलब बेकार है, उसको हमने निकाल दिया। ये प्लांट आपका अंदर सर्वाइवल पार्ट, ये देखो जो इसका ये हमारा नया पत्ता निकल रहा है ना, ये इसके ऊपर मिट्टी अगर यहाँ आ गई तो ये बंद हो जाएगा, ये मर जाएगा। आपको इससे नीचे नीचे रखना है, ये देखिए ये जो निचला पोर्शन है ना ब्लैक वाला, इसी तक मिट्टी रखना है, इसके ऊपर जरा सी मिट्टी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं प्लांट। ये देखो ये सारा हाँ, ये फिर एक लास्ट नीचे का चार था तो इसमें हमने ये डालना है, और ये इस तरह से थोड़ा आपने ऊपर की तरफ करके टिल्टेड करके लगाना है, मतलब ऐसे नहीं लगाना है, बिल्कुल ऐसे लगाना है, थोड़ा सा टेपर में लगाना है प्लांट को। और वैसे तो ये जब इसको धूप और वो मिलेगा तो फिर अपने आप ही ऊपर जाएगा, शूट हमेशा ऊपर जाता है, सनलाइट की तरफ भागता है, तो इस तरह से सर्वाइव कर जाएगा। अगले में हम ये एक और लगा रहे हैं, क्लियर हो गया, यानी कोई डाउट कोई यहाँ तक? हेलो, तो ये हमने अभी चार ही पांच प्लांट इसमें लगाया, बाकी का जो हम शाम को लगा देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सुबह के टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कि किस तरह से कैसे होल करना, कैसे लगाना है, मतलब प्रैक्टिकली पूरी तरह से प्रूवन हो जाए, इसी पर्पज़ के लगाया है इसको। कोशिश करते हैं कि हम इसको छांव में रखेंगे, और छांव भी देखो नेचुरल छांव देंगे इसकी। नेचुरल छांव क्या है कि हमारे कुछ ये इसको उठा के हम एक मिनट अभी करता हूँ मैं बात आपसे। ये नेचुरल छांव जो है हमारा, ये पपाया प्लांट लगा हुआ है आप देख रहे हैं, तो पपाया प्लांट की छांव में इसको डाल देते हैं। तो ये हमने छांव में इसको खड़ा कर दिया, जैसे इधर से सनलाइट आएगी तो ये छाया इसको मिलती रहेगी प्रॉपर, देख रहे हैं ये पपाया प्लांट है हमारा। अब इसमें पानी डालने की बारी है, तो पानी डालते हैं हम। ये पूरी तरह से पपाया की छाया में आ गया, दोनों तरफ से छाया है इसकी। साइज इसका जो है हमने 1.5 इंची का होल किया है जी, हाँ 1.5 इंच का होल है, बहुत छोटा रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा प्लांट के लिए, जैसे दूसरे प्लांट हैं इनके लिए तो थोड़ा चल भी जाएगा लेकिन थोड़ा रहना चाहिए। तो ये हमने 10 लीटर का कैन लिया, 10 लीटर का कैन है, और इस पानी को हम इसमें पलट रहे हैं। मैं
म्यूट कर लो, किसका है ये? तो ये 5 लीटर पानी भी हमारा अभी आया नहीं है इसमें, 10 लीटर के कैन में लेके आए थे हाफ, अब इसको डाल दिया, ये सीप कर जाएगा, 4-5 मिनट लगेंगे इसको, धीरे धीरे ये अंदर सीप कर जाएगा इसे।